इस तरह चिकन बनाइए, बिल्कुल देसी चिकन का स्वाद आएगा, गैस और समय का भी बचत होगा। चले गाइस शुरू करें। मैंने यहाँ 400 ग्राम चिकन लिया है और 2 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, लेकिन ताजी पीसी हुई। 2 छोटे चम्मच जीरा धनिया पाउडर, इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था। 2 चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, जो मैंने सारे गरम मसाले एक साथ पीस लिए थे, नमक स्वाद अनुसार, अब हमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं ज़्यादातर इसी प्रोसेस से खाना बनाती हूँ ताकि मसाला भूनने का जो समय होता है वो हमारा बच जाता है और गैस का भी बचत होती है। अब 2 बड़े आलू छोटे आकार में काट ले, 3 बड़े प्याज काट ले और 3 तेज़पत्ता ले ले। हमने सरसों का तेल ले लिया है, तेल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हमें यहाँ प्याज और तेज़पत्ता डाल दे। इसे ब्राउन होने तक हमें भुनना है। बिल्कुल इसी प्रोसेस में बनाएंगे तो अपनी नानी और दादी की खाने की स्वाद ज़रूर आएगी। उनकी खाने की स्वाद कोई भूल नहीं सकता। गोल्ड इज़ गोल्ड। अब 4 दालचीनी के टुकड़े डाल दे। अच्छे से चला चला कर प्याज को ब्राउन कर ले। अब आलू और मीट एक साथ डाल दे। और मसाले सारे अच्छे से डाल दे, थोड़े से पानी भी डाल दे और एक टमाटर काट कर डाल दे और अच्छे से हमें इसे चला चला कर भुनना है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में भी लिख दे, इससे मुझे खुशी मिलेगी। पहले हमें तेज आंच में इसे अच्छा से भुनना है। अच्छे से भुनने के बाद आंच धीमी कर दे और इसे ढक दे पकने के लिए। याद रखे मीट को ज़्यादा पकने ना दे और बीच बीच में इसे चलाते रहे, क्योंकि गाइस मीट ज़्यादा पक जाने से हमारी देसी चिकन का स्वाद नहीं आएगा। देखिए गाइस अब हमारे मीट की कलर कितनी अच्छी बन गई है। अब हमें यहाँ पर पानी डाल देना है क्योंकि हमें इसे पतला रखना है, गाढ़ी नहीं। हमें इसी तरह पतला रखना है और इसे ढक दे थोड़े पकने के लिए। अब हमें मीट और आलू दोनों को अच्छे से चेक कर लेना है ताकि कहीं ज़्यादा कुक हो ना जाए। अब हमारे मीट और आलू दोनों पक चुके हैं। अब हमारा चिकन रेसिपी तैयार हो गया है।